नमस्कार मैं हूं कंजन कुमार और आप देख रहे हैं फोकस न्यूज़ लाइव अभी जो है पंचायती स्तर पर जो है बच्चे को लेकर नामांकन के लिए जो है बच्चे परेशान हो रहे हैं और उनका जो है गार्जियन भी परेशान हो रहे हैं लेकिन बच्चे का नामांकन नहीं हो रहा है नामांकन क्यों नहीं हो रहा है इसकी पूरी जानकारी देंगे और आप लोग जो है सो विचार ज़रूर करेंगे अब जो है अब रूल जो है चेंज कर दिया गया है और रूल किस कदर चेंज किया है कि आपको मैं बता देता हूँ मेरे घर का लड़का है एक लड़का जो है तकरीबन जो है बारह साल का है और बारह साल के लड़का है और ये जो है देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक नामांकन फॉर्म है और बिहार स्कूल में जो है गवर्नमेंट स्कूल जो है सरकारी स्कूल उसमें जो है एक फरमाने जारी कर दिया गया है जो तीन दिन से जो है मैं घूर रहा हूँ एक लड़के का जो है एडमिशन के लिए तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ जो है अब एडमिशन नहीं होगा जब मैंने पूछा एडमिशन क्यों नहीं, नहीं होगा तो वहाँ से आदेश हमको मिला है ऊपर से आदेश मिला है कि यहाँ पर जो है जिस पंचायत से बच्चा है उसी पंचायत से एडमिशन होगा ऐसा वहाँ के हेड मास्टर का कहना है कि जिस पंचायत से लड़का है उसी पंचायत से एडमिशन होगा यहाँ पर केवल जी जो पंचायत इस स्कूल में पढ़ता है वही पंचायत का यहाँ पर एडमिशन किया जाएगा ऐसा जो है हेड मास्टर टीचर ने बताया हालांकि हम हेड मास्टर का भी दोषी नहीं देंगे अगर मान लीजिए अगर ऊपर से भी आदेश आया होगा तो आदेश का वो लोग अपना पालन पालन कर रहे हैं और यहाँ मैं बता दूँ आपको कि ये आदेश कब दिया और कौन दिया तो मैं परेशान हो गया जब मैं पूरा सर्च करने लगा कि आखिर सच्चाई बात क्या है झूठ बात है या सच्चाई बात है या कहीं पे जो है टीचर तो झूठ नहीं बोल रहे हैं मैंने जो है सो पूरा इसको जो है सो जानकारी इकट्ठा किया तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी जो मिली है वो जानकारी आपको हम शेयर करेंगे और साझा करेंगे कि इस जानकारी में क्या दिया गया है कि वीडियो में जो है स्क्रिप्ट में मैं लगा दूंगा प्रिंट मीडिया में जो छापा गया है वो मैं लगा दूंगा उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है छापा गया है और उसमें जो है से देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि बिहार में अब घर से पास के स्कूल में भी पढ़ना मुश्किल के के पाठक के नए फरमान से बच्चे आफत में पड़े हुए हैं और इसका जो है पेरेंट्स भी पड़े हुए हैं इसका जो है मैं वीडियो के साइड में क्लिप में लगा दूंगा कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है और इसका वीडियो का मैं पुष्टि नहीं करता हूं कि आखिर ये जो फरमान जारी कब किया है नहीं किया है इसका डेट भी नहीं बताया जा रहा है और मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो स्कूल है तकरीबन जो है दो मीटर के करीब में स्कूल है और यहाँ पर उसमें जो है बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है क्यों क्योंकि दूसरे के पंचायत में पढ़ रहा है और स्कूल जो है नज़दीक ही पड़ता है अब हालांकि हम आपको बताएँ कि इस पंचायत में जो है तकरीबन जो है तीन किलोमीटर के रेंज में स्कूल है तो उसमें जो है दस साल के बच्चा अकेले कैसे पढ़ पाएंगे इस पर जो है निंदे करने वाली बात है आप लोग जो है विचार करें और विचार करने के बाद जो है विचार करने की बात है और अपना जो है राय और इसमें कमेंट जो है सो ज़रूर बताएंगे अगर आप लोग के एरिया में अगर हो रहा है इस तरह का जो हरकत हो रहा है आपके पंचायत लेवल पर एडमिशन कराने की प्रयास अगर आप लोग को करवा रहा है तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें ताकि बिहार में इस जगह जो वैशाली ज़िला से हमको ये खबर निकल के आ रहा है और तकरीबन जो है तीन दिन से लड़का जो है घूर घूम रहा है लेकिन जो है अभी बहुत सारे गार्जियन है जो परेशान है और उनका जो है बच्चा भी परेशान है अब फिलहाल हम ये जानकारी लेंगे कि आठवां का जो है आठवां का बच्चा जो पास किया है उसको जो है नामांकन कहाँ होगा उस पर भी निंदा करने वाली बात है कि क्योंकि वो जो है नामांकन करने के लिए जो दसवा और टेन प्लस टू का स्कूल जो है तकरीबन जो है छः सात किलोमीटर दूरी है और दूरी रहने के बाद जो है पंचायत लेवल पर अगर कराया जाए तो छः सात किलोमीटर दूरी है अगर नज़दीकी में बात किया जाए तो तीन किलोमीटर दूरी है तो वैसे में जो है अकेला जो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा और गाछी वृक्षी का जो है गांव का जो समय होता है जो आप लोग समझ सकते सकते हैं कि कैसे बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए तो आप लोग जो है विचार ज़रूर करें और मैं जो है वीडियो के क्लिप में लगा दूंगा जहां से हमें जानकारी मिली है प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली है और कुछ जानकारी जो हमें मिली है स्कूल से जानकारी मिली है जो कि टीचर बताए हैं कि से इस पंचायत का जो है पंचायती स्तर पर जो है एडमिशन किया जाएगा और आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग का विचार क्या है कमेंट में ज़रूर विचार रखें और इसी वीडियो को मैं समाप्त करता हूं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार